नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत ना बख्शेगी पार्ट टू। तो क्या आप सचमुच अमर हैं महाराज? हाँ, जब तक यह चमत्कारी जूते मेरे पैरों में हैं, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब व्यर्थ समय बर्बाद मत करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ। आप मेरे घर चलिए महाराज, वहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा। चलो, लेकिन यह लाश कोई देखेगा तो मुझे आपका कातिल समझेगा। घबराओ नहीं, हमारे यहाँ से जाते ही यह मृत शरीर स्वयं ओझल हो जाएगा। तब पुजारी बांके को अपने घर ले गया, स्नान और भोजन आदि से निर्वृत हो बांके सो गया। जब उसकी आँख खुली तो शाम ढल चुकी थी। बांके को जागते देख पुजारी उसके निकट आया और बोला, महाराज मैं मंदिर जा रहा हूँ, आज मेला है, ठकुराइन भगवान को भोग लगाएंगी, आप भी आ जाइएगा, 12 बजे तक पूजा अर्चना का कार्य चलेगा। ओह, फिर तो ठाकुर भी वहीं रहेगा। नहीं, ठाकुर कभी मंदिर नहीं आते, वे हवेली में ही रहते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं सही समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। तब पंडित बांके बिहारी से विदा ले पुजारी वहां से चल दिया। रात के करीब 11 बज रहे थे। ठाकुर मदिरा पीकर इतना मग्न हो चुका था कि उसे जटाधारी बाबा के आगमन का आभास ही ना हो पाया। अचानक बांके गुर्राया, बहुत खुश नजर आ रहे हो ठाकुर। कौन? मेरी तरफ देख और पहचान मुझे, मैं तेरा सब कुछ छीन ले जाने के लिए आया हूँ। ठाकुर कहर सिंह चौंक कर सीधा बैठ गया और बांके को घूरता हुआ बोला, अबे भिखारी, साधु के बच्चे, तेरे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी सोच ठाकुर, तो इस समय नशे में है और हवेली में अकेला है, आखिर तू है कौन? मुझे नहीं पहचाना ठाकुर, मैं पंडित मुकुट बिहारी का बेटा बांके बिहारी हूँ। बांके तो मर चुका है। बांके जिंदा है मूर्ख, और तेरे सामने खड़ा है। तुझे दौलत से बहुत प्यार है ना, आज मैं तेरी सारी दौलत चुरा ले जाऊंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। इतना कह बांके ने ठाकुर की कमर से तिजोरी की चाबी का गुच्छा खींच लिया और तिजोरी की तरफ बढ़ गया। बांके को तिजोरी खोलते देख ठाकुर कहर सिंह का सारा नशा हिरन हो गया। वह तकिए के नीचे रखा अपना रिवॉल्वर निकालते हुए गरज उठा, खबरदार पुजारी, तिजोरी में हाथ डाला तो गोली मार दूंगा, मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरने वाला। धाएं, आह! दूसरे ही पल बांके की लाश फर्श पर पड़ी थी। ओह, खून, मेरे हाथों खून हो गया, अब मैं क्या करूं? तभी ठाकुर के मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया। सब जानते हैं कि बांके इस गांव में नहीं रहता, फिर इतनी रात गए, किसी ने इसे मेरी हवेली में आते नहीं देखा होगा। मेरी किस्मत अच्छी है, इस समय मैं हवेली में अकेला हूँ। अगर मैं लाश को पिछवाड़े ले जाकर दफना दूं, तो किसी को कानों कान खबर न हो पाएगी कि यहाँ क्या हुआ है। सोचते हुए ठाकुर कहर सिंह की आंखें चमक उठी। दूसरे ही पल वह बांके की लाश को कंधे पर उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। ठाकुर के जाते ही बांके तिजोरी की आड़ से मुस्कुराता हुआ निकला और खुली तिजोरी से सारा माल समेटकर एक चादर में बांधने के बाद कंधे पर लादता हुआ सहसा ही बुदबुदा उठा। जब ठाकुर लौटकर अपनी तिजोरी खाली देखेगा तो उसके पैरों तले धरती खिसक जाएगी। वह सपने में भी नहीं सोच पाएगा कि जिसकी लाश दफनाने गया है वही उसका सारा माल ले उड़ा है। वाह, मजा आ गया, ठाकुर मुझ पर न तो शक कर सकता है और ना ही मेरे खिलाफ कोई बयान दे सकता है, हाहाहा। इधर मंदिर के पुजारी गोरखनाथ ने मंदिर का द्वार बंद किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। अपने घर में कदम रखते ही वह चौंका, सामने बांके चारपाई पर बैठा था और जमीन पर बिछी चादर पर बेशुमार दौलत के साथ भगवान के भी असली जेवर भी पड़े थे जो ठाकुर कहर सिंह ने चुराए थे। ओह, तुम आ गए गोरखनाथ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो उठाओ भगवान के जेवर, कल तुम्हारे भगवान के शरीर पर असली जेवर होंगे। अवश्य महाराज, नकली जेवर तो बिल्कुल असली जैसे ही हैं, अतः किसी को शक भी ना होगा। इतना कह पुजारी ने चादर पर रखे भगवान के जेवर उठा दिए। तब बांके चादर की पोटली बांधता हुआ बोला, अब मैं चलता हूँ, अवसर मिला तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। महाराज, इतनी रात गए आपका यहाँ से जाना उचित ना होगा, लेकिन मेरा शहर जाना बहुत ज़रूरी है गोरखनाथ। सुबह से पहले आपको न कोई ट्रेन मिलेगी और न बस, अतः आप भोजन कर आराम करें।
भोर होने से पहले मैं आपको सही समय पर जगा दूंगा। बाकी बिहारी पुजारी गोरखनाथ के जोर देने पर रात वहीं ठहरने पर राजी हो गया। वह भोजन कर सो गया। जब वह गहरी नींद सो रहा था तो पुजारी गोरखनाथ ने बड़ी सफाई से उसके जूते पैरों से निकाल लिए। आहा, अब यह जूते मेरे हैं, इन्हें पहनकर मैं अमर हो जाऊंगा। तुम्हें पाने के लिए ही तो मैं शहर गया था और तुम जैसे जूते खरीद लाया था। अगर महाराज की आंख न खुलती तो मैं शाम को ही तुम्हारी जगह नकली जूते महाराज को पहना देता। फिर मन ही मन खुश होते हुए गोरखनाथ ने वे जूते घर के एक कोने में छुपा दिए और उस तरह के दूसरे जूते लाकर बांके को पहना दिए। वाह, बिल्कुल असली जैसे हैं, महाराज को कतई शक नहीं हो सकता। फिर गोरखनाथ अपनी जगह जाकर लेट गया। उत्तेजना और खुशी के कारण वह सो नहीं सका। वह करवटें बदलता रहा और फिर ठीक समय पर बांके को जगा दिया। बांके ने गोरखनाथ को आशीर्वाद दिया और अपनी राह चल दिया। शहर पहुंचकर बांके ने होटल में एक कमरा किराए पर लिया और वहां टिक गया। अब सरकारी वकील मेहता को भी उसके किए का दंड देना है। मैं उसे इस तरह फंसाऊंगा कि वह अपनी सारी वकालत भूल जाएगा। उसी रात मिस्टर मेहता अपने स्टडी रूम में बैठे किसी केस की फाइल का अध्ययन कर रहे थे कि अचानक आहट पाकर चौंक उठे। अपने सामने जटाधारी बाबा के रूप में खड़े बांके को पहचान न पाने के कारण वह कड़क कर बोले, कौन हो तुम? वही बांके बिहारी जिसके पिता को अदालत में चोर साबित करने के लिए तुमने ठाकुर कहर सिंह से 10,000 रुपए लिए थे। तुम पैसों की खातिर कुछ भी कर सकते हो ना? इतना कह बांके अपने चोगी से पोटली निकाल मिस्टर मेहता की टेबल पर फेंकता हुआ बोला, बहुत दौलत है इस पोटली में, लेकिन किस लिए? यह तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा मिस्टर मेहता। इतना कह बांके ने चाकू निकाल लिया। बांके के हाथ में चाकू देख मेहता बौखला उठा, क्या करना चाहते हो तुम? घबराओ नहीं, यह तुम्हारा ही चाकू है। इसे मैंने कोर्ट में स्थित तुम्हारे चैम्बर से चुराया है। इस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान भी हैं, लेकिन मैं इस चाकू से तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम मर गए तो ठाकुर की तिजोरी से माल चुराने का और मेरे कत्ल का जुर्म तुम पर कैसे साबित होगा? क्या बकते हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? दिमाग तो तुम्हारा अब खराब हो जाएगा मिस्टर मेहता। इतना कह बांके ने अपने सीने में चाकू घोंप लिया। दूसरे ही पल वह लहराकर फर्श पर गिरा और दम तोड़ दिया। ओह, इस बेवकूफ ने तो सचमुच अपनी जान ले ली। शायद मुझे अपने कत्ल और ठाकुर के यहाँ चोरी करने के इल्जाम में फंसाने के लिए ही इसने ऐसा किया है। मुझे चाकू और पोटली को फौरन यहाँ से हटा देना चाहिए। इस विचार के दिमाग में आते ही मिस्टर मेहता आगे बढ़े और उन्होंने चाकू की मुठ पर अपनी हथेली जमा दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने चाकू को बांके के सीने से खींच कर निकालने की कोशिश की, एक कड़कदार आवाज उनके कानों से टकराई, मिस्टर मेहता, डोंट मूव। ओह, मिस्टर मेहता ने चौंक कर सिर उठाया तो सकते में रह गए। मैं आपको अपने साथी के कत्ल और रतनपुर के ठाकुर कहर सिंह के यहाँ चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। क्या बकते हो इंस्पेक्टर नागेश, इसका खून मैंने नहीं किया है। आपको खून करते मैंने स्वयं देखा है। आपको धोखा हुआ है इंस्पेक्टर। धोखा आपको हो रहा है मिस्टर मेहता। आप नहीं जानते कि किसी गुमनाम आदमी से पहले ही हमें यह सूचना दे दी थी कि आप अपने साथी के साथ ठाकुर साहब के यहाँ से चुराए गए माल का बंटवारा करने जा रहे हैं, पर शायद आपके मन में लालच आ गया और आपने उसका कत्ल कर दिया। ओह नो, आप मेरी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर। आई एम सॉरी सर, आपको अपनी सफाई में जो कुछ कहना है अदालत में कहिएगा। इंस्पेक्टर के शब्द सुन मिस्टर मेहता का रहा सहा विरोध भी समाप्त हो गया। फिर मृतक बांके की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद पुलिस सरकारी वकील मिस्टर मेहता को साथ लेकर वहां से चली गई। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि बार बार मौत को धोखा देने वाला बांके इस बार स्वयं धोखा खा गया था और मौत ने उसे नहीं बख्शा था। उधर बांके की हत्या और मिस्टर मेहता की गिरफ्तारी के साथ अपने यहाँ से चोरी गए आभूषण एवं नकदी के बरामद होने का समाचार अखबार में पढ़कर ठाकुर कहर सिंह गहरी सोच में डूब गया। बांके तो मेरी गोली से मर गया था और मैंने उसकी लाश भी दफना दी थी, फिर बांके मेहता के पास कैसे पहुंच गया? वह दोबारा जिंदा कैसे हो गया?
मेरे यहाँ से चुराया गया माल मेहता के यहाँ कैसे पहुँच गया? क्या मिस्टर मेहता उस रात यहीं थे? लेकिन बांके बिहारी, जरूर दाल में कुछ काला है, सच्चाई का पता लगाना होगा। यह सोच ठाकुर कहर सिंह तुरंत उस जगह पर पहुंचा जहां उसने बांके की लाश दफनाई थी। मिट्टी खोदने के बाद जब ठाकुर ने बांके की लाश को वहां से नदारद पाया तो उसके दिमाग में खलबली मच गई। आखिर बांके की लाश कहां गायब हो गई? अगर वह जिंदा था तो इस बार भी नहीं मरा होगा। मुझे उसका पता लगाना होगा, लेकिन कैसे? कुछ देर सोचने के बाद ठाकुर कहर सिंह वापस अपने कक्ष में गया और अपने वफादार लठैतों को बुलाकर बांके का हुलिया बयान करता हुआ बोला, तुम लोग यह पता लगाओ कि चोरी की वारदात से पहले या बाद में बांके इस गांव में कहां ठहरा था। उसे किसी न किसी ने जरूर देखा होगा। जो हुक्म मालिक। तत्पश्चात दोनों लठैत शंभू और बिल्ला वहां से चले गए। शाम को शंभू और बिल्ला ने आकर ठाकुर को खबर दी। ठाकुर, ननकू ग्वाले ने बताया है कि उसने एक जटाधारी बाबा को मंदिर के पुजारी गोरखनाथ के साथ उसके घर की तरफ जाते देखा था। उस बाबा का हुलिया आप द्वारा बताए गए हुलिये से बिल्कुल मिलता है। पुजारी गोरखनाथ। फिर ठाकुर कहर सिंह अपना रिवॉल्वर लेकर द्वार की ओर बढ़ता हुआ बोला, चलो। ठाकुर कहर सिंह गोरखनाथ को ढूंढता हुआ गोरखनाथ के निवास पर पहुंच गया। उस समय गोरखनाथ घर पर ही था। ठाकुर के इशारे पर लठैतों ने गोरखनाथ की मुश्किल कस दी। गोरखनाथ घबरा कर बोला, ठाकुर साहब, मैंने क्या अपराध किया है? कमीने, तूने हमारे दुश्मन को अपने घर में शरण दी और पूछता है कि क्या अपराध किया है? बता, बांके बिहारी कहाँ है? कौन बांके बिहारी? वही जटाधारी बाबा जिसने हमारे यहाँ चोरी की और सारा माल ले उड़ा। मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम ठाकुर साहब। बंद कर यह बकवास। फिर ठाकुर शंभू से बोला, यह कमीना इतनी आसानी से नहीं बताएगा, इसकी आंखें निकाल लो। जी मालिक। दूसरे ही पल शंभू चाकू निकाल कर गोरखनाथ के सामने पहुंच गया। तब भयातुर गोरखनाथ चीख उठा, नहीं, मेरी आंखें मत निकालो, मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। आ गया ना सही रास्ते पर। तत्पश्चात गोरखनाथ ने बांके से हुई मुलाकात से लेकर उसके वापस जाने तक का वृत्तांत ठाकुर कहर सिंह को बता दिया। गोरखनाथ का बयान सुनने के बाद ठाकुर कहर सिंह की आंखों में चमक उभर आई। तो यह है बांके के जिंदा बच निकलने का रहस्य। लेकिन अब तो वह सचमुच अपने प्राण खो बैठा है, क्योंकि मौत को धोखा देने वाले जूते गोरखनाथ के पास हैं। दूसरे ही पल वह कड़क कर बोला, वह जूते कहाँ हैं? फिर गोरखनाथ के बताने पर बिल्ला वह जूते निकाल लाया और ठाकुर के कहने पर शंभू ने वह जूते गोरखनाथ को पहना दिए। तब ठाकुर बोला, अब मैं तुझे गोली मारूंगा। लेकिन ठाकुर साहब, मैं तो आपको सब कुछ बता चुका हूँ, अभी पता चल जाएगा कि तेरी बताई गई बातों में कितनी सच्चाई है। इतना कहकर ठाकुर अपने दोनों लठैतों को हिदायत देते हुए बोला, तुम दोनों बाहर जाओ और निगरानी करो, अगर पुजारी जिंदा होकर भागने की कोशिश करे तो दबोच लेना। आप निश्चिंत रहिए मालिक, हम उसे ज़्यादा दूर निकलने का मौका नहीं देंगे। तत्पश्चात शंभू और बिल्ला झोपड़ी से बाहर चले गए। शंभू और बिल्ला के बाहर जाने की कुछ ही देर बाद ठाकुर ने गोली चला दी। धाए, आह! पुजारी गोरखनाथ चीखता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। ठाकुर उसके फिर से प्रकट होने का इंतजार करने लगा, लेकिन जब 5 मिनट से ऊपर का समय गुजर गया तो ठाकुर चौंका। तभी शंभू और बिल्ला झोपड़ी में दाखिल हुए। ठाकुर ने पूछा, तुम लोगों ने गोरखनाथ को भागते हुए तो नहीं देखा? नहीं मालिक, गोली चलने की आवाज़ सुनने के बाद हम पूरी तरह से चौकस हो गए थे मालिक। मर गया साला, हमें बेवकूफ़ बनाने चला था। फिर ठाकुर कहर सिंह जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसकी आंखों में खौफ के भाव मंडरा उठे। खबरदार, रिवॉल्वर फेंक दो ठाकुर। ओह, कोतवाल धर्मचंद, यू आर अंडर अरेस्ट। हम मिस्टर मेहता के यहाँ पाए गए चोरी के माल की तफ्तीश के लिए यहाँ आए थे। हमें नहीं मालूम था कि हमें आपको कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जाना पड़ेगा। वह तो अच्छा हुआ कि गोली चलने की आवाज़ हमें सुनाई दे गई और हम सही वक्त पर यहाँ पहुँच गए। फिर गांव के कोतवाल धर्मचंद को वहाँ का चार्ज सौंपने के बाद इंस्पेक्टर नागेश मुजरिमों को जीप में बिठाकर दो सिपाहियों के साथ
पुलिस चौकी की ओर प्रस्थान कर गया। मिस्टर मेहता और ठाकुर कहर सिंह पर कत्ल का मुकदमा चला और दोनों को मौत की सजा हुई। इस तरह मौत ने किसी को भी नहीं बख्शा। आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि शंभू और बिल्ला का क्या हुआ। शंभू और बिल्ला को ठाकुर के साथ गोरखनाथ पुजारी के कत्ल की साजिश में शामिल होने के कारण 5-5 साल के कठोर कारावास का दंड दिया गया, अतः उन्हें जेल भेज दिया गया था। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।